अरे ले जाओ बाहर ले जाओ। आप सुन रहे थे कपिल मिश्रा को, और उसके बाद उनकी तबीयत भी कुछ खराब हुई है, और जिस तरीके से आज हमला किया है सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा उन्होंने दिया, आम आदमी पार्टी की वेबसाइट से निकाले उन्होंने, और आम आदमी पार्टी को जो चंदे मिले थे उस चंदे में बड़े स्तर के घोटाले का आरोप लगाया है, और उसके बाद ये और इसके बाद यहां पर कपिल मिश्रा की तबीयत खराब हुई है, बेहोशी की स्थिति लग रही है जो तस्वीरों से हम देख पा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कपिल मिश्रा बेहोश हुए हैं, और आज पांचवा दिन है उनके अनशन का, सिर्फ पानी पीकर वो है इन पांच दिनों में, और उनकी तबीयत भी पहले से खराब है, और लगातार करीब पिछले एक घंटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कपिल मिश्रा की, लगातार बोल रहे थे, एक के बाद एक उन्होंने कई स्लाइड दिखाई इस प्रेजेंटेशन के जरिए, आम आदमी पार्टी के चंदे में घोटाले का आरोप लगाया, और इसके बाद लगातार बोलते बोलते भारत माता की जय के नारे लगाए, और उसके बाद जो उनकी तबीयत खराब हुई। अब पुलकित नगर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। पुलकित, क्या हुआ है, कपिल मिश्रा की तबीयत अचानक से खराब हुई है, बेहोश हो गए हैं वो? देखिए आरोप लगा रहे है से आम आदमी पार्टी कैसे जुड़ी हुई है, कैसे चंदा कर सकते हैं, तो कपिल मिश्रा का जो आप है बताता है कि आम आदमी पार्टी का उस चंदे के चंदा है उससे कैसे लिंक है, उसमें दो पैसे का नाम किया गया, और साथ के जरिए आम आदमी पार्टी से समस्या बनाकर इनको फाइट करते, जब आखिरी पद पर थे और खा रहे थे ये उसकी तो पुलकित से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बोलते बोलते गिर पड़े हैं कपिल मिश्रा। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पिछले एक घंटे से करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कपिल मिश्रा की, और सिलसिलेवार तरीके से आम आदमी पार्टी के चंदे में घोटाले का आरोप लगा रहे थे, एक के बाद एक उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरीके से गलत ब्यौरा दिया गया जो जानकारी मिली, और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई है, बेहोश होकर गिरे हैं, और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तक की थी तब उन्होंने कहा था कि मैं अपील करता हूं कि देश के गृहमंत्री से और साथ ही पुलिस से कि उनके अनशन को जबरदस्ती न तोड़वाया जाए, लेकिन फिलहाल उनकी तबीयत खराब हुई है, पिछले पांच दिनों से अनशन पर है, सिर्फ पानी पीकर है पिछले पांच दिनों से, और अब उनकी तबीयत लगातार एक घंटे बोलने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई है। बिल्कुल राकेश, हमने देखा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले ही कपिल मिश्रा ने अपना जो खुलासा था उसे शुरू करने से पहले ही कहा था, गृहमंत्री के नाम, उपराज्यपाल के नाम, पुलिस आयुक्त के नाम उन्होंने ये संदेश दिया था कि मेरा अनशन आप जबरन तोड़वाने की कोशिश मत कीजिए, मैं सच्चाई के लिए ये आंदोलन कर रहा हूं, ये अनशन कर रहा हूं, और मैं इसी तरह से अनशन करना चाहता हूं जब तक का सच सामने नहीं आ जाता, और साथ ही साथ ये तमाम खुलासे करने के बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अरविंद केजरीवाल अगर शर्म बची है तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, एक के बाद एक तमाम खुलासे उन्होंने किए हैं। पुलकित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुलकित सबसे पहले ये बताइए कपिल मिश्रा की तबीयत फिलहाल है कैसी, बेहोश हो गए हैं वो? देखिए वो बेहोश हो गए हैं और उन्हें अभी अभी अस्पताल लेकर गई है पुलिस, क्योंकि कपिल मिश्रा जिस समय चैट दिखा रहे थे और तमाम ये पीछे कर रहे थे उसी के बाद अचानक वो गिर गए नीचे, और उसके बाद अभी अभी उन्हें पुलिस अस्पताल लेकर गई है, लेकिन एक बड़े आरोप लगाए गए हैं कपिल मिश्रा द्वारा ये बताते हुए कि अभी तक जो 2 करोड़ रुपए चंदे का मामला है वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है जी। ये दिखाने की कोशिश आज कपिल मिश्रा ने की जी। पुलकित, और जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, जो स्लाइड्स उन्होंने दिखाई जो है, उससे पहले हम तस्वीरें एक बार दिखा दें, अपडेट दे दें कपिल मिश्रा की तबीयत को लेकर। पुलकित, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कपिल मिश्रा ना भी पहुंचे हैं वहां पर, कपिल मिश्रा की मदर उनके साथ थी, हालांकि पीसी में नहीं थी लेकिन घर के अंदर मौजूद थी, और जैसे ही कपिल मिश्रा नीचे गिरे उसके बाद उन्हें उठाकर यहाँ से अस्पताल लेकर गई है। आज बहुत ज्यादा पुलिस बंदोबस्त भी था सुबह से ही, हालांकि कपिल मिश्रा लगातार ये दावा कर रहे थे कि वो अनशन पर रहना चाहते हैं, उनका अनशन ना तोड़वाया जाए, लेकिन जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई है उसके बाद में उन्हें यहाँ से सीधा अस्पताल ले जाया गया है, और जाहिर तौर पर अब कोशिश ये होगी पुलिस या डॉक्टर्स के जरिए कि भाई अब वो अनशन पर ना बैठे क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। कौन से अस्पताल ले जा रहे हैं पुलकित, इस बारे में जानकारी?
अभी ये साफ नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पताल में लेके जाएंगे या यहाँ के सरकारी अस्पताल में लेके जाएंगे, लेकिन आनंद फानन में कैट की एम्बुलेंस यहाँ खड़ी हुई थी जिसमें उन्हें बैठाया गया जैसे ही कपिल मिश्रा की तबीयत खराब हुई और उन्हें तुरंत यहाँ से आगे की तरफ मूव कर दिया गया। अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि कौन से अस्पताल पुलिस उन्हें लेकर गई है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि कौन से अस्पताल ले जाया जा रहा है। जब अनशन वो कर रहे थे, जब उनका मेडिकल चेकअप हुआ था, तब भी दो अस्पतालों का जब मेडिकल चेकअप हुआ तो दो अलग अलग रिपोर्ट्स आई, जिसमें एक में कहा गया कि उनकी सामान्य है स्थिति, एक में कहा गया तबियत ज्यादा बिगड़ रही है। मतलब अनशन तोड़वाने का प्रेशर शायद उन पर था। जी अस्पताल की जानकारी मिली है? जी, आरएमएल अस्पताल को भी जानकारी मिली है। आरएमएल अस्पताल उन्हें लेकर गए हैं। सरकारी अस्पताल है तो पहली जिम्मेदारी पुलिस की यही बनती है कि वो किसी प्राइवेट अस्पताल की तरफ ना जाकर सरकारी अस्पताल में जाए। तो आरएमएल अस्पताल जानकारी मिल रही है कि आरएमएल अस्पताल उन्हें लेकर गए हैं। आज सुबह से पुलिस बंदोबस्त भी और डॉक्टर्स के लोग भी यहाँ पर थे, क्योंकि आज पांचवा दिन था जब से सत्याग्रह पे है कपिल मिश्रा। और बीच बीच में ये भी बातचीत सामने आ रही थी कि उनका जो शुगर लेवल है वो लगातार घट रहा है, यानी कि स्थिति जो है वो खराब हो रही है। और पांचवा दिन होने के बाद, क्योंकि कपिल ने पहले दिन ही ये साफ किया था कि आज तक उन्होंने कभी कोई अनशन नहीं किया और उनकी जो बॉडी है वो इस तरीके की है कि वो हर घंटे कुछ खाने के लिए चाहिए होता है उन्हें, हर दो घंटे में। तो ऐसे में पांच दिन अनशन करने के बाद ये लग रहा था लगातार कि कपिल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आज बहुत जोश में थे, सीधा अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो ये साफ कर देंगे किस तरीके से आम आदमी पार्टी को जो चंदा है वो जो मिल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी के ही लोग मिले हुए हैं। और यही दिखाने की कोशिश यहाँ कपिल मिश्रा ने की। नरेश यादव जो आम आदमी पार्टी के विधायक है उनका नाम लिया और ये बताया कि भाई ये आम आदमी पार्टी के विधायक है और ये पूरी तरीके से इन चंदों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शिवचरण गोयल है आम आदमी पार्टी के विधायक, उनका नाम लिया। और कोशिश ये की गई कि ये जो 2 करोड़ रुपए के चंदे की बात आ रही है वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है ये साबित कर सके। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मिश्रा ने रखे उनसे कहीं ना कहीं यही जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी इस चंदे से कैसे जुड़ी हुई है। आपको याद होगा पिछले भी काफी दिनों से ये सवाल उठे, भले 2-3 साल से मामला चल रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी को जो चंदा मिल रहा है, फॉरेन फंडिंग हो रही है या दूसरे तरीके से जो चंदा मिल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ झाड़ा है। और वही साबित कर रहे थे कपिल मिश्रा और कुछ ब्लैंक चेक लेकर आए थे कुछ अपने। हालांकि बहुत सवाल भी है कि आखिर जो ब्लैंक चेक आम आदमी पार्टी को दिए गए वो कपिल मिश्रा के पास कैसे पहुंच गए, तो बहुत सारे सवाल थे। इससे पहले कि वो सवाल का जवाब देते कपिल मिश्रा नीचे गिर गए और पुलिस उन्हें यहाँ से डॉक्टर्स की टीम के साथ एम्बुलेंस में लेकर गई आरएमएल अस्पताल। बिल्कुल पुलकित, उनकी तबियत को लेकर तो आप अपडेट करते रहेंगे, फिलहाल उन्हें अस्पताल की तरफ ले जाया जा रहा है, एम्बुलेंस हमने देखी, ये तस्वीरें हम तक पहुंच रही है लगातार। लेकिन जरा ये बताइए जो खुलासा वो कर रहे थे क्या वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था या फिर बीच में ही कपिल मिश्रा की तबियत बिगड़ गई और जो उनके साथ बाकी लोग बैठे थे वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ और खुलासे होने बाकी थे? देखिए कपिल मिश्रा की तरफ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, काफी दिन से ये मामला उठ रहा है। आम आदमी पार्टी के 2 करोड़ का चंदा है जिसमें 4 कंपनियों ने उसे चंदा दिया। तो कपिल मिश्रा ने ये बताया कि कुछ फर्जी कंपनियां हैं, एक एक पते पे करीब 150-150 कंपनियां चल रही है और कुछ ऐसी 16 कंपनियां रखी उन कंपनियों के अलावा जो पहले चंदा दे चुकी थी और उनके जरिए आम आदमी पार्टी कैसे लिंक करती है, कैसे वो चंदा कुछ आम आदमी पार्टी के ही विधायकों द्वारा या आम आदमी पार्टी के ही कुछ लोगों द्वारा पार्टी तक पहुंचाया जा रहा है दूसरी कंपनियों के जरिए। तो ये जो पूरा काम चल रहा था उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स और आरोप कपिल मिश्रा लगा रहे थे। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक्सिस बैंक के कुछ चेक थे, करीब 2 लोगों का नाम भी बताया जो बेंगलोर के रहने वाले हैं, जैसे कि रमेश एक है उनके ऊपर आरोप लगाया। और इसके अलावा प्रिया बंसल का नाम लिया जिनका आईटी रिटर्न ये बताता है कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत कम उन्होंने अपना रिटर्न दाखिल किया है, लेकिन
के बावजूद भी उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा आम आदमी पार्टी को दिया, ये डॉक्यूमेंट्स जो कपिल मिश्रा दिखा रहे थे वो बताते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल भी थे कि आखिर ये जो लोग हैं जिनका आईटी रिटर्न अगर आप देखेंगे तो कुछ हजार रुपए में है, वो कैसे करोड़ों रुपए चंदा दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को, और उनके जरिए उन्होंने दो विधायकों को लिंक किया और ये समझाने की कोशिश की कि ये आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए लोग हैं जो काले धन को सफेद करने में पार्टी के जरिए लगे हुए हैं। पुलकित, जब कपिल मिश्रा ने कहा था, दस्तावेज उन्होंने ट्वीट किए थे, उन्होंने कहा था कि आज जो खुलासे करेंगे, जो आज उनके पिटारे से जो कुछ भी निकलेगा उसके बाद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने कुछ आंकड़े निकाले, पहले आम आदमी पार्टी की वेबसाइट से कि चंदा कितना आया, बैंक में जो डिटेल दी गई उसमें अंतर दिखा, जो इलेक्शन कमीशन को आंकड़े दिए गए उसमें अंतर दिखा, उसके बाद आईटी के नोटिस के बाद जो आंकड़े दिए गए उसमें अंतर दिखा, और सबसे जो बड़ी बात है, जब अपनी बात वो खत्म कर रहे थे, जिस तरीके से उनकी भाषाएं तीखी होती गई, जिस तरीके उनके लफ्ज तीखे होते चले गए, जिस तरीके से उन्होंने केजरीवाल को यह कहा कि अब तो आप इस्तीफा दे दीजिए, जिस तरीके से वो तुम तड़ाक पर उतर आए, उन्होंने कहा कि अब या तो कॉलर पकड़कर तुम्हें तिहाड़ जेल तक पहुंचाएंगे, तो जिस तरीके से भाषा की मर्यादा भी टूटती नजर आई, तो यह था कि किस तरीके से वो आक्रोशित भी थे और यही वजह थी कि तबीयत भी उनकी खराब हुई। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मैंने कपिल मिश्रा को इस तरीके से अभी तक नहीं देखा, मैंने जो उनका देखा है आज तक वो बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल के करीबी देखा है, और हमेशा आंदोलन के वक्त से मैं उन्हें देख रहा हूँ, वो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी रहे हैं, भले ही वो आंदोलन में हो या भले ही वो सरकार के दौरान हो उनको मिला। उसकी एक वजह भी है कि पांच दिन मिश्रा को अनशन पर बैठे हुए हो चुके हैं, लेकिन पांच दिनों के अंदर वो चीजें सामने नहीं रखी गई आम आदमी पार्टी द्वारा जो वो लगातार मांग रहे थे, यानी कि पांच नेताओं के विदेशी दौरे की जानकारी थी कपिल मिश्रा ने, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं की गई, और यहीं पर ही आज उनका गुस्सा भी केजरीवाल के ऊपर फूटता देखा। और आपको याद होगा कि तस्वीर जब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते थे और कहते थे कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तो उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल आज उनके पूर्व मंत्री पुलकित बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस की तस्वीरें, जब कपिल मिश्रा को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा है, वो खुलासा कर रहे थे, करीब एक घंटे तक उन्होंने एक के बाद एक कई खुलासे किए, किस तरह से करोड़ों का हेरा फेरी की गई आम आदमी पार्टी में चंदे के नाम पर, उसका खुलासा वो कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस तरह से उनका टेम्परमेंट भी हमने देखा, बोलते बोलते जिस तरह से उनकी पिच हाई हुई उसी तरह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर वो बेहोशी की हालत में पहुंच गए। फिलहाल उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, ये देखकर उनकी मां की भी तबीयत खराब दिख रही है तस्वीरों में, मां भी उनके साथ ही अस्पताल पहुंची हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कपिल मिश्रा को आरएमएल अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। कपिल दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, कपिल मिश्रा ने खुलासे किए एक के बाद एक, और जैसे पे बात कहकर वो खड़े हुए, कुछ दस्तावेज दिखा रहे थे, उस बीच वो गिर पड़े, उनकी तबीयत खराब हुई, पिछले पांच दिनों से अनशन पर है, लगातार सिर्फ पानी पी रहे हैं, और इससे पहले उन्होंने कहा था कि कभी उन्होंने सत्याग्रह किया नहीं है, कभी उन्होंने अनशन किया नहीं है, यह पहला मौका है जब वो अनशन कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो उनकी तबीयत अचानक खराब हुई है, और जिस तरीके से पुलकित बता रहे थे कि उनके ब्लड शुगर जो है वो लगातार लेवल है वो लगातार गिरता जा रहा था, ये वजह है कि उनकी तबीयत खराब हुई, अचानक से आक्रोशित हो गए थे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब एम्बुलेंस में उनको रखा गया, आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जो उनके साथ जो उनके समर्थक मौजूद थे वो लगातार उन्हें कपड़े से हवा कर रहे थे, गर्मी बहुत ज्यादा है दिल्ली में, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। पुलकित नागर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। पुलकित, दो तस्वीरें देख पा रहे हैं, कपिल मिश्रा के आरएमएल पहुंच चुके हैं, कुछ उनके हेल्थ को लेकर अपडेट हो तो वो सबसे पहले दीजिए। अभी आरएमएल के डॉक्टरों से बस इतनी जानकारी मिल पाई है कि कपिल मिश्रा को लाया गया है, क्योंकि चार दिन हो चुके थे, तो आज पांचवा दिन था, अभी तक कपिल मिश्रा ने कुछ खाया नहीं, उनकी बॉडी को ऐसी आदत नहीं थी, क्योंकि अभी पेंशन पर नहीं बैठे थे, तो ऐसे में कमजोरी और गर्मी का हवाला दिया जा रहा, लेकिन क्या उसके रिपोर्ट आएगी, कितना इस समय उसका ब्लड प्रेशर की क्या रिपोर्ट है, शुगर कितना है, ये अभी नहीं हुआ है, डॉक्टर जांच शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद कपिल मिश्रा जो साथ कुछ लोग गए हुए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि कपिल मिश्रा नहीं चाहते कि उनका अनशन आज छुड़वाया जाए, या फिर डॉक्टर उन्हें कोई मेडिसिन या कुछ खाने के लिए दे, तो ऐसे में ये भी बड़ी बात होगी, क्योंकि परिवार के लोग भी उनके साथ हैं, कि क्या कपिल मिश्रा अस्पताल में जाने के बाद अपना अनशन तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर उन्हें लगातार इस बात की सलाह दे रहे थे कि आप अपने अनशन से हट जाइए, ताकि आप अनशन आगे रख पाना, जारी रख पाना मुश्किल होगा आपके लिए, वजह ये थी कि शुगर लेवल और जो उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आ रही थी वो लगातार डाउन जा रही थी। जी
बिल्कुल आरएमएल अस्पताल से रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेंगे। रजनीश, यहाँ कपिल मिश्रा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, आरएमएल अस्पताल की तरफ उन्हें ले जाया जा रहा है, ये बताइए क्या पहुंची है एम्बुलेंस वहां तक? देखिए अभी पहुंची नहीं, कुछ ही देर में पहुंचने वाली है, क्योंकि देखिए सिविल लाइन जहाँ पे उनका घर है वहां से लेकर आरएमएल का रास्ते में करीब 20 मिनट का रास्ता है। और उससे कुछ देर पहले ही कपिल मिश्रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चक्कर आया, वो बेहोश हो गए, जिसके बाद जो एम्बुलेंस है वो लेके निकली है। तो कुछ देर बाद आरएमएल लेकर पहुंचेगी एम्बुलेंस कपिल मिश्रा को। जी बिल्कुल, तो तैयारियां आरएमएल अस्पताल में कर ली गई हैं, एम्बुलेंस रास्ते में है, करीब 20 मिनट का फासला है घर से हॉस्पिटल तक का, और ले जाया जा रहा है कपिल मिश्रा को। जैसे ही और अपडेट आएगा दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बड़े खुलासे किए, कपिल मिश्रा की तबियत बिगड़ गई। और राकेश, अगर हम इन तस्वीरों को देखें, सच के लिए आंदोलन कर रहे हैं कपिल मिश्रा, और बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक के बाद एक खुलासे किए, और साथ ही आखिर में जब वो खुलासा कर रहे थे किस तरह से धमकी भरे शब्दों के जरिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा, मैंने आपके सामने रखे हैं, इनसे एक बात पता चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी चंदा छुपा रहे थे, करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे, माफिया और हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल कर रहे थे, पैसा अपने कार्यकर्ताओं से और विधायकों तक से छुपाया गया करोड़ों रुपया, इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स से छुपाया गया करोड़ों रुपया। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, शेल कंपनी बना के, फर्जी कंपनी बना के, शेल कंपनी के माध्यम से फर्जी पैसा पार्टी के खाते में डालना, उसके बाद उसको जनता, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन से छुपाना, और उसके बाद जो अभी मामला आया सत्येंद्र जैन जी के द्वारा जिन कंपनियों को ठेका दिया वो कंपनी भी, यानी चंदा भी फर्जी कंपनी का, चेक भी फर्जी कंपनी का, और सरकार बनने के बाद ठेका भी फर्जी कंपनी को। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात सही कही थी कि भैया हम जिससे चंदा लेते हैं हम चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं, यही बोला था आपने उन्होंने कार्यकर्ताओं को कि हम जिससे चंदा लेते हैं चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं। आपने देखा कि चंदा जिससे ले रहे हैं फर्जी कंपनियों से, तो चुनाव जीतने के बाद उन्हीं फर्जी कंपनियों का काम भी करेंगे। मैं आज एक बात आपके माध्यम से देश के हर कार्यकर्ता को, अपने हर विधायक को, पार्टी के हर नेता को कहना चाहता हूं, आज अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा पूरा हवाला का, और काले, और इसीलिए ये अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी नहीं दे रहे। राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आशीष खेतान, सतेंद्र जैन, जिस दिन इनके विदेश यात्राओं के डिटेल सामने आ गए, इनके फॉरेन फंडिंग में भी जो काला धन का इस्तेमाल हो रहा है, हवाला का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगा। और इसीलिए मैं 5 दिन से अनशन पर बैठा हूं और अपना अनशन नहीं तोड़ रहा, क्योंकि इन्होंने देश के साथ धोखा किया है, भारत माता के साथ गद्दारी की है, पैसे की गड़बड़ करी है, जनता की पीठ पर छुरा भोंका है, और इतनी बड़ी गड़बड़ करने के बाद भी ईमानदारी की कसमें खा के चुप होके अपने घर में छुपे बैठे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो, और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा, कसम खा के बैठा हूं कपिल मिश्रा हूं मैं, कॉलर पकड़ के अरविंद केजरीवाल, कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा, कसम खा के बैठा हूं तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। जिस तरीके से केजरीवाल हमला बोलते थे, जिस तरीके से केजरीवाल बिना कुछ सोचकर बोलते थे, जिस तरीके से वो लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे, जिस तरीके से केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उनकी भाषा की मर्यादा टूटती थी, कुछ उसी तरीके से कपिल मिश्रा आज तीखे अंदाज में नजर आए। और तेजिंदर पाल बग्गा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता है, सीधे उनका रुख करेंगे। तेजिंदर, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरीके से केजरीवाल बिना कुछ सोचकर बोलते थे, कुछ उसी अंदाज में आज कपिल मिश्रा ने एक के बाद एक जो आर्थिक भ्रष्टाचार है, जो आम आदमी पार्टी के चंदे में जो हेराफेरी हुई है उसका उन्होंने खुलासा किया, तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेकर बैठे थे, आपने ये सारी चीजें देखी होंगी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जिस तरीके से कपिल मिश्रा जो उनके खुद के मंत्री हैं, कुछ गंभीर दस्तावेज लगा लेके उन्होंने आरोप लगाए हैं, किस तरीके से कुछ शेल कंपनियों के द्वारा करोड़ों रुपए केजरीवाल जी को काला धन दिया गया, उन्होंने जो चेक दिखाए हैं,
मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी जब लोगों पे आरोप लगाते थे तो ये कहते थे कि अगर आप पे आरोप है तो जब तक आपकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती आपको सत्ता में रहने का उस पद पे रहने का हक नहीं है। मैं आज उसी के बिना पे अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि आप पे जो आरोप है गंभीर है, आपने हवाला से पैसा लिया है और यह आरोप भारतीय जनता पार्टी या कोई और अन्य व्यक्ति नहीं लगा रहा, आपके कैबिनेट के पूर्व मंत्री लगा रहे हैं, इसलिए आपको पद पे बने रहने का कोई हक नहीं है, आपको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और इससे बड़ा कोई आरोप हो नहीं सकता तेजिंदर जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, आप पार्टी बनाते हैं, सरकार में आते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की बात करते हैं और आप ही की सरकार में रहा हुआ मंत्री कहता है कि यह स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से। और अरविंद केजरीवाल जी जो आज नैतिकता की बात करते थे आज देश देखेगा। मैं दो पंक्तियां आज कहना चाहता हूं जो अरविंद केजरीवाल जी आज कर रहे हैं कि अन्ना के संग जो तिरंगा चूमने लगे वो आज ऊंची महंगी गाड़ियों में घूमने लगे जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने। चलिए तेजिंदर, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से तमाम खुलासे किए कपिल मिश्रा ने, तीखे अंदाज में नजर आए फिलहाल।